हाय फ्रेंड्स, फिर से आपको स्वागत है आपका मनपसंद चैनल। आइए जानते हैं। हमें आपने तो थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप नियोस के अंडर में डीएलईडी का एडमिशन कर चुके हैं तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा। तो आप मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे उसका लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से आप स्टडी का जो बुक्स है उसे भी पढ़ सकते हैं, और मैंने असाइनमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। तो अगर आप असाइनमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके वहाँ पर क्लिक करें और पूरा जानकारी निकाल लें। तो चलिए दोस्तों, हम जिस बारे में जानना चाहते हैं उसे जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपके एरिया में आपका जो है सेंटर है, आपका स्टडी सेंटर वो कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गूगल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है www.nios.ac.in, और उसके बाद आपको यहाँ से सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके डिवाइस पे इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेगा आपको, सबके ऊपर में नियोस डीएलईडी का, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। तो आपको यहाँ पे जो एसए नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद NIOS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह का आपके डिवाइस पे खुल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस नज़र आएंगे आपको, यहाँ पे 5 बॉक्सेस। और उसके बाद आपको यहाँ पे 4 नंबर पे मिलेगा स्टडी सेंटर AIAVIOVE कॉर्नर। तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, सीधे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, ये जो कॉर्नर पे राइट साइड का जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे आपको मिलेगा यहाँ पे स्टडी सेंटर। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टडी सेंटर पर क्लिक करना है, और आपको ऐसे क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद आपको इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा, और पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर में स्टडी सेंटर्स लिखा हुआ है, तो स्टडी सेंटर्स के नीचे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। अपना एक नंबर पे आप देखिए, लिस्ट ऑफ द ऑल एकेडमिक स्टडी सेंटर सेकेंडरी कोर्सेस स्टेट वाइज। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ द ABI, उसके बाद नीचे जो 3 नंबर का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, लिस्ट ऑफ द ओपन बेसिक एजुकेशन OBE स्टडी सेंटर स्टेट वाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा। न्यूज़ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का लॉगिन हो रहा है। ज़्यादा यूज़र होने की वजह से ये जो पेज है, ये पेज खुलने में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन खुल जाएगा 2-3 बार ट्राई करने के बाद। तो अभी जो आपको यहाँ पर ये जो पेज मिला है, इस पेज में आप अपना स्टडी सेंटर सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पे है स्टेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट योर स्टेट। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको पहले आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा स्टेट है, ऊपर में आंध्र प्रदेश है, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, यहाँ पे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इस तरह का आपको जितने सारे स्टेट्स है सब स्टेट का यहाँ पे नाम मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक स्टेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आसाम को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर लेना है, और ओके करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट का, मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ से अभी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट में अभी तक स्टडी सेंटर बना हुआ है, अभी तक पूरा अपडेट नहीं आया है आसाम का। तो मैं यहाँ से नौगांव का जो है, मैं यहाँ से नौगांव को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। अभी जो आपका ये है आसाम और नौगांव का, आप यहाँ से आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, आप उसी स्टेट का नाम यहाँ पे क्लिक करें, और डिस्ट्रिक्ट का क्लिक करें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग्स करते हैं। और उसके बाद आपके यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन टू हेल्प आस प्रिवेंट स्पैम। और नीचे देखिए, इन द फ्लोइंग लिस्ट व्हाट अपीयर्स फर्स्ट, मतलब यहाँ पे नीचे कुछ नंबर है, आप देख सकते हैं पहले है 76, 10, 92। तो सबसे पहले जो नंबर है आपको यहाँ पे
टाइप करना है। तो ऊपर में यहाँ पे 76 है, तो मैं यहाँ से 76 को यहाँ पे डायल कर लूँगा। और उसके बाद 76 मैंने क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे व्यू स्टडी सेंटर पे क्लिक कर लूँगा। और व्यू स्टडी सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिलेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द ओपन बेसिक एजुकेशन ओबीई स्टडी सेंटर, और उसके नीचे आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ ओबीई स्टडी सेंटर इन नौगांव, तो मैंने नौगांव डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक किया था, तो नौगांव का जो स्टडी सेंटर है उस सेंटर का पेज यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आप पहले में देख सकते हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप फोन नंबर का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फोन नंबर पे फोन करके भी आप जानकारी निकाल सकते हैं। ओबीई कोड नंबर यहाँ पे आपको पूरा लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे ओबीई का जो कोड नंबर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीई का कोड नंबर। उसके बाद स्कूल स्टडी सेंटर, कौन सी स्कूल पे आपको स्टडी सेंटर मिलेगा, आपका स्टडी सेंटर कौन सी स्कूल पे है, तो यहाँ पे आप देखिए भूमिमुखी शिक्षा केंद्र, मतलब नौगांव में अभी तक सिर्फ एक ही स्टडी सेंटर खुला हुआ है, वो है भूमिमुखी शिक्षा केंद्र। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड में और जाएंगे तो यहाँ पे ईमेल भी दिया हुआ है, आप ईमेल करके भी जानकारी निकल सकते हैं। तो अभी तक सिर्फ एक ही स्टडी सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी अगर बाद में अपडेट आ जाएगा तो मैं आपको और एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। और आप यहाँ से कुछ दिन बाद, एक दिन दो दिन बाद भी आप यहाँ पे खोलकर स्पेस को ओपन करके आप जानकारी निकल सकते हैं कि नौगांव डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कितना सेंटर खुला हुआ है। और आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं उस स्टेट का नाम यहाँ पे क्लिक करें, उस स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके भी पूरा जानकारी निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका स्टडी सेंटर का पूरा जानकारी। तो आप इस तरह से आपका स्टडी सेंटर निकल लीजिए, और वहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है उस असाइनमेंट को आप सबमिट करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक करें, और बीच में आपको एक मिलेगा घंटे का बटन, तो आप उस घंटे के बटन पर भी क्लिक कर ले, ताकि न्यूज़ के अंदर DLED की जितने सारी जानकारी है उस सब जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं यहीं से विदा लेता हूँ।